वो नानी जी क्या अच्छा गीत लगा रहे हो आप, और लगाओ। अच्छा, तब हमारे घर जब नानी आएंगे तब एक गाना जरूर सुनाएंगे हमें। हमें सुनाओ जा। हाँ नानी, हमें सुनाओ। अच्छा तो सुनो यार, बात है चला रही, तुम याद है कर ले। गाइस कैसे हैं आप सब, मैं चंदा सिंह एंड स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम जा रहे हैं अपने नानी के गांव। तो प्रेरणा, कहाँ जा रहे हैं हम? चाची की नानी के गाँव। हाँ तो आज ये जा रही है मेरी नानी के गाँव में। तो आज हम जा रहे हैं देवप्रयाग से ऊपर, एक सौड़ पड़ता है उस साइड, तो हम उस साइड जा रहे हैं। तो वहाँ पे हम करेंगे एंजॉय। और आज हो रही है बारिश, तो बारिश तो काफी कल से हो रही है बारिश आई थिंक। कल नहीं, परसों नरसों से हो रही है। हाँ दो तीन दिन से बारिश लगी हुई है लगातार। अब देखते हैं कैसे चलते हैं प्रेरणा। चलो मिलते हैं गाइस रास्ते में आपको। तो ये हमारा टॉमी है, जो ये भी हमारे साथ पीछे पीछे आ चुका है। और इसलिए एक बार हम तैयार होके आ गए तब ये तो नीचे ही जाएगा, पूरे गांव तक हमें छोड़ेगा नहीं। टॉमी घर चलो बेटा। नानी जी कैसे हो आप? अच्छा, छाता क्यों नहीं खोल रहे, बारिश नहीं लग रही आपको? यार गाना सुना दी नानी। यार ये गाना अभी बार गाना, और जर से सुनाओ यार। नानू का बुरा थे वो दिया मागी दा प्यार। वाह नानी जी क्या अच्छा गीत लगा रहे हो आप, और लगाओ। तब हमारे घर जब नानी आएंगे तब एक गाना जरूर सुनाएंगे हमें। हमें सुनाओ जा। नानी हमें सुनाओ। अच्छा सुनो यार, बात है चला रही, तुम याद है कर ले। तो ये देखिए सड़क का हाल, इतना गंदा वाला हाल हो रखा है बारिश से। गाइस अब हम स्कूटी के पास आ चुके हैं, चाची स्कूटी चला रही है, अभी स्टार्ट कर। गाइस हमारी स्कूटी स्टार्ट हो चुकी है, चले यहाँ पे। वैसे रोड बहुत खराब है गाइस, और यहाँ पे कचील हो रखा है काफी। देखिए सिलेंडर सर पर उठा कर लेकर जाना पड़ता है यहाँ पर। यहाँ की रोडों में बिल्कुल गड्ढे ही गड्ढे हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा गड्ढे हैं यहाँ पे, इस वजह से यहाँ पे गड्ढों में काफी पानी भर जाता है, और फिर थोड़ा चलने में दिक्कत होती है क्योंकि गड्ढे काफी बड़े बड़े हैं, और बिल्कुल साइड साइड में चलना पड़ता है। गाइस देखिए यहाँ पे काफी ज्यादा कोहरा लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, आगे देखना भी मुश्किल हो रहा है, पर जैसे जैसे आगे बढ़ रहे तो दिख ही जाता है रास्ता। तो पर काफी ज्यादा कोहरा है, अचानक से कौन सा जानवर आ गया जाए कुछ पता नहीं चलता। हाँ कुत्ता अगर आ जाए तो क्या पता चलता है, और आजकल वैसे भी बाघ का काफी डर है क्योंकि ज्यादा बारिश में ही आता है वो। सारे घास लेके जा रहे हैं, काफी ज्यादा कोहरा लगा हुआ है। पहले तो यहाँ से साफ साफ इंडोला खाल दिख जाता था, पर अब काफी ज्यादा कोहरा है। वो देखिए थोड़ा बहुत दिख रहा होगा आपको, थोड़ा थोड़ा देखिए, हरा हरा सब कुछ, हरा हरा लगा, इतना सुंदर व्यू आ रहा है। गाइस देखिए कितना ब्यूटीफुल व्यू आ रहा है, देखिए आप जो यहाँ।
चाची हम तो सब्जियां ले रही हैं। So, क्या क्या लिया चाची आपने? चाची क्या क्या लिया आपने? तो गाइस अभी अभी हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि दुरेगी में बाघ ने अपना तीसरा शिकार बनाया है करीबन 9:30 बजे, और वो जंगल में जा रही थी वो लेडी, और उसको वहीं से बाघ ने उठाया। तो बताना चाहूँगी इधर हमें काफ़ी संभल के चलना पड़ेगा, कहीं सड़कों पे भी आ सकते हैं उसका कोई पता नहीं, क्योंकि अभी तीसरा केस आ चुका है बाघ का सिर्फ 3 दिनों में, तो काफ़ी बच के जाना पड़ेगा सड़कों पे भी। तो आज मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रखा है, और आप देख सकते हो 3 दिन की बारिश के बाद मौसम अभी साफ है, लेकिन धूप अभी नहीं निकली है। तो हम पहुंच चुके हैं देवप्रयाग, और ये देखिए यहाँ से साफ दिख रही है नदी एकदम। आ चुके हैं देवप्रयाग के बाजार में, और ये है सुंदर सा मार्केट, और ये है पुलिस स्टेशन जहाँ हम कुछ कोई भी कार्यवाही कर सकते हैं। तो कुछ ही टाइम में हम पहुंच जाएंगे अपने नानी के गांव में, जो कि है सौड़ गांव। फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने नानी के गांव में, और अब हम जा रहे हैं ऊपर की साइड। तो नानी का जो घर है वो सड़क के पास ही है, तो हमें ज़्यादा पैदल चलना भी नहीं पड़ेगा। तो ये हमारे नानी का घर है, और हम अपनी नानी के घर आ चुके हैं। ये है नानी का किचन, और ये हैं 2 कमरे। ये है हमारे नानी का कमरा, और ये प्रेरणा आराम से कपड़े उपड़े चेंज करके आराम से देख रही है, कार्टून देख रही है फिर। ये है मेरी नानी जी। गाइस हमारी चाची भिंडी काट रही है।
सब्जी काट रहे हैं हम। शाम का मौसम कितना अच्छा होता है यहाँ पे, सारा ही ऊपर तो पूरा जंगल ही होता है। सो गाइस फाइनली अब बाघ जो है वो उसको गोली मार दी गई है। गाइस तो मौसम देखिए आप यहाँ पर। तो ये देखिए गाइस रात का मौसम कितना अच्छा लग रहा है। तो लाइट ही चली गई। ये चांद इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे चमक। आसमान कितना सुंदर लग रहा है अभी। यहाँ पे जो तेरी चाची जो है वो सब्जी बना रही है अभी। तो एक्सपीरियंस अच्छा है, चूल्हे में फर्स्ट टाइम हम इधर बना रहे हैं। नानी के घर पे फर्स्ट टाइम है। चूल्हे का खाने का मजा कुछ और ही है ना बेटा। मुझे सारे बराबर ही लगते हैं। हम बना रहे हैं खाना चूल्हे में। आज बन रही है भिंडी की सब्जी, अब हम बोलेंगे। ये देखिए यहाँ का रात का सीन कितना सुंदर लग रहा है और चांद भी निकला हुआ है। और ये देखिए इधर पोल्स लगे हुए हैं जिस पे लाइट जल रही है। ये देखिए और ये देखिए ये पहाड़ है। पहाड़ों में ये इतने सारे घर है जिसमें कि लाइटें दिख रही हैं आपको। जितनी ये लाइटें दिख रही है उतना ये सारे घर हैं। और रात में ये देखिए घर का व्यू कितना सुंदर लग रहा है। ये हमारी नानी जी है और ये देखिए रात का मौसम कितना सुंदर लग रहा है।